उधर दिल्ली के कनॉट प्लेस दे विच बीजेपी अते अकाली दल दे वल्लों सांझे तौर ते ए फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बीजेपी का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का पैसा पंजाब दे विच लगा रही है। उधर अकाली दल का इल्जाम है कि दिल्ली सरकार ने एक भी वादा दिल्ली वासियों नाल जो किया सी उसनू पूरा नहीं किया अते पंजाब विच भी पार्टी झूठे वादियां दे जरिए वजारत विच आना चाहती है। इल्जाम मैंने लगाए हैं, मैं तो अब गिन भी नहीं सकता कि ये क्या क्या वादे इसने किए थे और हमने जो दिल्ली में शीशा दिखाया इनको, मैं ये समझता हूँ इसका जवाब देना चाहिए इनको। ये चाहे इनका 1984 पे इनका इंसाफ की बात थी, दिल्ली को नशा मुक्त करने की थी कि औरतों के ठेके खोल दिया आपने, दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था कि हम वाईफाई फ्री के दे देंगे, वो कहाँ वाईफाई है, हमारे को फुलाना चलने नहीं देता। 67 MLA भैया जिधर मर्जी चलो तुम्हारा मौज है इस वक्त, लेकिन आप चल नहीं पाते क्योंकि आप काम करने के लिए नहीं आए हैं, आप इल्जामबाजी करने के लिए। तो वो पैसा सीधा केजरीवाल को ही तो जा रहा था, इन्हीं के तो वो ठेकेदार हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली के सारे विधायक और मंत्री पैसा इकट्ठा करके केजरीवाल तक ही तो उनका काम है देना। तो हम तो सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शनी यहाँ लगी है हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या आपने अभी तक कोई भी ईंट लगाई। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस दे विच इस प्रदर्शनी नूं लगाया गया, लाजमी तौर पर बीजेपी अते अकाली दल दीआं नज़रां विधानसभा चोणां जो पंजाब दे विच होण जा रही ने अगले वरे उस उत्ते नज़र आउंदीआं ने, ते निशाना आम आदमी पार्टी ते आम आदमी पार्टी दी जो दिल्ली दी सरकार है उस उत्ते लगाया जा रहा है। अगे वधदे आं, मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल अज अपने जद्दी हल्के लंबी विच ने जिथे उन्हां पिंड किलियांवाली दे विच लोकां नूं संबोधन किया। लंबी विधानसभा हल्के विच दलित भाईचारे की वड्डी गिणती नूं संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल दलित भाईचारे ते गरीबां दा सब तो वड्डा हमदर्द है। तो दलित वोट बैंक ते भी अकाली दल की नज़र है। विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र लगातार संगत दर्शन के जरिए रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल अते डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल। तो इस विचाले लंबी अपने जद्दी हल्के पहुंचे मुख्यमंत्री जिथे उन्होंने संबोधन किया। तो संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अकाली दल दलित भाईचारे का सब तो वड्डा हमदर्द है। लंबी दे विच मुख्यमंत्री बादल ने दलित भाईचारे नूं संबोधन करदिआं कहा कि विधानसभा विच अकाली दल दे 59 विचों 21 विधायक दलित भाईचारे नाल संबंध रखते ने। खालसा पंथ खत्म नहीं अकाली दल, इह हमेशा ही गुरु साहिबान तों लै के अज तक पिछले गए पताले गए दस भाईचारे दा मुदई बणे। अब पंजाब असेंबली विच श्रोमणी अकाली दल के 59 मैंबर और उन्होंने चो 21 MLA 10 भाईचारे ने। अगे वधदे हुण खबर लुधियाणा तो। लुधियाणा पहुंचे अनिल जोशी कैबिनेट मिनिस्टर ने सूबे दे, उन्होंने आम आदमी पार्टी ते निशाना लगाया। निशाना लगाउंदे होए उन्होंने कहा कि हाथी दे दंद खाण दे होर अते दिखाउण दे होर ने। उन्होंने कहा कि पार्टी दे आगुआं नूं पॉलिसी पार्टी दे सिस्टम अते फंड्स बारे कोई जानकारी नहीं है अते ना ही इन्हां नूं टिकटां दी वंड दे बारे दे विच कुछ पता है अते पंजाबी इन्हां दे झांसे विच नहीं आउण वाले। उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू बारे पुछे जाणते उन्होंने कहा कि बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, इस नाल कोई फर्क नहीं पैण वाला कि कोई आगू पार्टी दे विच रहिंदा या छड्ड के जांदा। तो लुधियाणा पहुंचे हुए सन स्थानक सरकारां बारे मंत्री ने अनिल जोशी। तो इस मौके उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दे जिहड़े पंजाब दे आगू ने उन्होंने कोई जानकारी नहीं है कि पार्टी सिस्टम किवें है, फंड्स कितों आ रहे हैं। कुल मिला के निशाना आम आदमी पार्टी उत्ते सीगा ते नजरां विधानसभा चोणां ते। असल च मैं नहीं, मैं सीधा सीधा कहूँगा वो पंजाबी विरोधी आ, उन्होंने कोई भी पंजाबी जिहड़ा नहीं लगता। तो पंजाबी लीडर जिन्हें भी सी आम पार्टी दे विच उन्होंने सिर्फ मखौटे बना के रखे इन्होंने, उन्होंने कोई अंदरूनी जिम्मेवारी नहीं गी, कोई उन्होंने पूछया नहीं जाता, कोई उन्होंने दस्या नहीं जाता, सिर्फ विखाउण वास्ते आ, जितना हाथी के दंद खाण वास्ते होर तो विखाउण वास्ते होर। भाजपा इन्नी विशाल पार्टी आ, दुनिया की सब तो वड्डी मैंबरशिप वाली पार्टी आ, भाजपा विचारधारा की पार्टी आ, इतने जिहड़ा प्रॉपर सोच के आने वाले लोग जिहड़े इतने ना टिक सकते ना टिके आ, ना ही इन्हां नाल किसी दे नाल कोई फर्क पैंदा।